ओ भैया, अब जो है ना इस रोड पे राइड करने में जो है ना काफी मजा आएगा यार। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटोएटी 5 राइडर। सो गाइज, अभी का जो टाइम है लगभग 4:45 हो चुका है और मैं निकल चुका हूँ एक प्यारा सा ब्लॉग के लिए। और अभी यहाँ पर देख सकते हो ट्रैफिक और अपना जो है रेड सिग्नल भी आ चुका है सामने में। यहाँ पर तो भाई जाम ही जाम लगा है, देख सकते हो यहाँ पर रेड सिग्नल है 18 सेकंड का। और अभी जो है मुझे जाना है वो साइड। और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा धूप है यार, जो कि अभी 5 बजने वाला है और फिर भी धूप ज़्यादा है। और ये बस वाला भैया किधर किधर घुमा रहा है भाई। सो गाइस, अभी जो अपन आ चुके हैं देवनहल्ली साइड में, कि बहुत दिन बाद आया हूँ यार ये साइड में बाइक राइड करने के लिए। और आज का क्या सीन रहता है आज का ब्लॉग में जो देखते हैं। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। आप लोगों को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ गाइस, जो कि लास्ट वाला ब्लॉग में आप लोग बहुत अच्छा प्यार दिखाए हैं। तो आप लोग से मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ऐसा ही प्यार दिखाते रहिएगा। तो गाइस, जो ईद के दिन जो है देखे थे आप लोग, मैं फ्रेंड के पास नहीं जा पाया यार, जो कि मेरा प्लान था कुछ और। जो कि प्लान था ये कि जुबेर के पास जाना और जुबेर के साथ नमाज अदा करते हैं, लेकिन क्या बताऊँ यार, कुछ पर्सनल रीज़न के कारण नहीं जा पाए। तो यहाँ पर दुद्वालापुर में ही नमाज अदा किए हम लोग, और साथ में जो है मस्जिद का जो इमाम साहब भी थे तो वो भी इनवाइट किए थे मुझे, तो इसीलिए साथ में ही नमाज अदा किए। और जुबेर जो है भाई थोड़ा बहुत नाराज़ भी हो गया यार, क्योंकि बोला यार लास्ट टाइम आया था और आज नहीं आया, क्यों ये वो। तो मैं उसको समझा दिया अच्छे से। अब जो है बकरीद का नमाज, तो बकरीद का नमाज शायद हम लोग गाँव में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि बकरीद टाइम में प्लान बन रहा है गाँव जाने का। और अपना लौकी के बारे में भी बता दिया कि अपना लौकी भी जो है कुछ दिन के लिए बेंगलोर में है, बाकी गांव जाने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है आगे का, अभी तो कुछ फाइनल नहीं हुआ है, बस डिस्कस चल रहा है। तो भाई अपना लौकी का जो है ना यार सर्विस भी कराना पड़ेगा यार, जो कि लास्ट टाइम सर्विस किए थे, जो कि आप लोग ब्लॉग देखे ही होंगे। अभी जो है लगभग 1.5-2 महीना हो गया यार सर्विस करा के। और वैसे भी अपना लौकी को जरा मैं निकालता नहीं हूँ, वीक में एक टाइम कभी कभी निकालता हूँ, क्योंकि छुट्टी ही नहीं मिलता रहता है अपन को, तो इसलिए कभी कभी लौकी को निकालता हूँ। लेकिन वैसे भी लौकी का जो है टाइम अभी पूरने वाला है भाई, सर्विस कराना होगा भाई, जो कि 2 महीना हो गया और लगभग बोले 2000 किलोमीटर शायद होने वाला है, तो इसे सर्विस भी कराना पड़ेगा। और अपना लौकी को जो कुछ अलग तरीका से मॉडिफाई करना मैं चाहता हूँ यार, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो कि आप पाची के लिए अपना लौकी के लिए कैसा मॉडिफिकेशन अच्छा रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ यार अपना लौकी को जो अच्छा से मॉडिफाई करा करके उसके बाद गांव लेके जाऊँ, लेकिन कैसा मॉडिफाई कराना है जो अभी तक आइडिया नहीं है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपन जो है ड्यूटी से डायरेक्ट आ चुका है ब्लॉग बनाने के लिए, जो कि हमारा ड्यूटी 4 बजे ख़त्म हुआ है, तो मैं डायरेक्ट आ चुका हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया यार, पता नहीं क्यों आज भूख ही नहीं था। तो अभी जो है मार्केट में कुछ लेना है मुझे, तो वो ले करके उसके बाद खाना खाएंगे। इधर जो है ना भाई अभी देवनहल्ली साइड में जो है रोड नया बन रहा है, जो कि अभी देख सकते हो कितना रोड बन रहा है, कोई ठिकाना ही नहीं है यार। अभी इधर भी नया है, इधर भी नया है, और बीच में भी रिपेयर शायद कर रहा है, और शायद ऊपर जो है ब्रिज बन रहा है जिसे ओवर ब्रिज कहते हैं वो बन रहा है। और इधर जो रोड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है भाई, देख सकते हो इधर पूरा चिप्पी जो बोलते हैं ना, वो चिप्पी डाले हुए हैं इस रोड पे, देख सकते हो रोड। ओए होए होए ब्रेकर, ओ माय गॉड। और इस रोड में जो भाई टोल गेट्स भी बन रहा है एक, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है टोल रोड स्टार्ट, जो कि वहाँ से टोल रोड स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर क्या बात है यार, काफ़ी ज़्यादा जाम लग चुका है, देख सकते हो वो साइड जो है रोड बन के तैयार हो चुका है भाई। और ये जो ना काफ़ी सेक्सी रोड बन रहा है यार, देख सकते हो क्या रोड बन रहा है भाई। अब जो है ना इस रोड पे राइड करने में जो है ना काफ़ी मजा आएगा यार। ओ हो भाई साहब, ओ अपना लॉकी का पिकअप देख सकते हो, ओ हो भाई साहब क्या बताओ यार, ये रोड भी सेक्सी है और अपना लॉकी जो है सेक्सी तरह से भागता है यार। ओहो क्या मजा आ रहा है यार, लेकिन अपन किधर जा रहे हैं नहीं जा रहा, अभी कोई डेस्टिनेशन नहीं है यार। अभी समझ में नहीं आ रहा मैं किधर जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, ये रोड के देखकर तो रहा नहीं जाता भाई।
ओए होए क्या रोड है मेरे जान। अपन को भूख भी काफ़ी तेज लग चुका है भाई, अभी खाना भी है। अब खाना किधर खाना है कुछ स्पेशल में सोच रहा हूँ, अब स्पेशल मिलेगा तो सही है भाई। और यहाँ पर कितना बड़ा बड़ा ट्रक जा रहा है भाई साहब, पूरा रोड तो यही लोग कैप्चर कर लिया है, तो हम जैसे मच्छर लोग को साइड भी देगा नहीं देगा पता नहीं। ओ भैया भैया भैया, ओहो हो, दे दिया दे दिया दे दिया साइड। ओ भाई साहब ये देखो कितना लारी के लेके जा रहा है भाई एक बाइक पे, वो भी अंकल। ओ ओ ओ भाई साहब, अपन में जो है मिरर है ना, इसलिए मैं कहीं पे नहीं घुसाता हूँ। ओहो अभी जो है अपन आ चुके हैं बस स्टेशन के पास, और अभी जो अपन को कुछ सामान लेना है तो वही लेने के लिए अभी जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट चलेंगे खाने के लिए भाई, और बर्दाश्त नहीं हो सकता है मेरे से, बहुत ज़रा भूख लग जाए। ओ अंकल रोड क्रॉस कर रहा है तो भाई मरीज के जैसा चल रहा है यार, अब रोड क्रॉस कर रहा है तो भाग भी नहीं रहा है, आराम आराम से। ओ भैया देख सकते हो हेडफोन लगाया हुआ है और बस अपना मूड में भाग रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा मैं कहाँ पे हूँ, अभी नहीं हूँ, रोड क्रॉस कर रहा है, बाद में